फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इजी, टेस्टी और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला कचरियू। इसे स्पेशली विंटर के सीजन में बना के खाना बहुत ही हेल्दी है और इसे सफ़ेद तिल या काले तिल से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि बाजार से भी बढ़िया कचरियू आप झटपट घर पे आसानी से बना सको। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले हम सफ़ेद तिल से कचरियू बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक मिक्सचर जार में 100 ग्राम सफ़ेद तिल ले रही हूँ। उसको हम दरदरा पीस लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गंठोड़ा पाउडर, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 2 चम्मच सीडलेस खजूर, 1 चम्मच किशमिश, 3 अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े करके हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे अंजीर, खजूर और किशमिश है, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, लेकिन कचरियों का स्वाद बहुत बढ़ाता है, तो घर में अगर अवेलेबल है तो आप ज़रूर से डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना गुड़, और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्सचर जार के अंदर ग्राइंड कर लेना है और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ बादाम और काजू, और 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, और 2 चम्मच जितना तिल का तेल। अगर आपके घर में तिल का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तिल के तेल से बढ़िया सा कचरियों का फ्लेवर आता है। अब हम काले तिल का कचरियू बनाएंगे। सेम ही प्रोसेस है, सेम ही मेजरमेंट है। मिक्सचर जार में 1 कप काले तिल को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गंठोड़ा पाउडर, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 3 कटे हुए अंजीर, 2 चम्मच जितना सीडलेस खजूर और काली द्राक्ष 1 चम्मच जितनी। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे भी ऑप्शनल है। 1/4 कप जितना गुड़, और इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सचर जार में अच्छे से ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, 2 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ काजू और बादाम, और 2 चम्मच जितना तिल का तेल। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे काले तिल का कचरियू एकदम परफेक्टली तैयार है। इसे एयरटाइट डब्बे में भर के आप 15-20 दिन तक स्टोर करके कभी भी खा सकते हो। ये स्वाद में बहुत ही बढ़िया लगता है और स्पेशली विंटर में खाना एकदम हेल्दी है। मैं यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से गार्निशिंग कर रही हूँ। आप गार्निशिंग के लिए कोई भी ड्राई फ्रूट नट्स का यूज़ कर सकते हो, कद्दूकस किया हुआ नारियल का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये एकदम आसान से बनने वाली रेसिपी है, खाने में उतनी ही हेल्दी है और बाज़ार से भी बढ़िया कचरियू आप 5 मिनट में घर पर आसानी से बना सकते हो। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।